देखिए हम आप सभी लोगों को बताएंगे बहुपद कैसे पहचाना जाता है, बहुपद कैसे पहचाना जाता है। और बहुपद को हम लोग इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये बहुपद यह एक चैप्टर है, ये 9th में पढ़ाया जाता है और 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन यह हर एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुपद जहां एक नंबर का होता है और 9th और 10th में 4 नंबर या 6 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस परिचय हो गया, तो हम पहचानेंगे एक एक को। तो बहुपद कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह बहुपद कौन है। और बहुपदों में एक होता है चर होता है, यानी एक चर बहुपद और एक अचर बहुपद, दो होते हैं चर बहुपद और अचर बहुपद। तो इन लोगों को पहचानने के लिए हम एक एक का नाम लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से पहचानने में सहयोग मिले। जैसे पहला नंबर है इसमें, पहला नंबर है चर, ठीक है। चर किसे कहते हैं, आप 6 में भी पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं और हम इनको दोहराते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक, और क से लेकर ज्ञानी गया, किसे ज्ञानी गया, यानी ये सब ए से जेड और क से जेड के बीच में के जितने ए बी सी जेड एक्स वाई कोई दिखता हो आपको, तो उनको क्या बोलेंगे, चर कहेंगे। हो गया चर का परिभाषा। तो चर उसे कहते हैं इनका मान बदला जा सकता है। कैसे, देखिए जैसे कभी यक्स होगा तो कभी यक्स का मान 1 आता है, कभी यक्स का मान 2 हो जाएगा, कभी यक्स का मान 3 हो जाएगा। तो हम यक्स का मान कभी 1, 2, 3 कभी किसी दशा में हम लोग मान इनका परिवर्तित देखेंगे या पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चर कहते हैं। उसके बाद अचर किसे कहते हैं, देखिए दूसरा नंबर है अचर। अचर में क्या होता है, अचर में यह होता है कि हम एक से अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर हम लोग अनंत तक की संख्याओं को देख के क्या बोलेंगे, बोलेंगे अचर। इसको हम लोग बोलेंगे अचर बोलेंगे, ठीक है। तो अचर का परिभाषा हो गया कि 1 से लेकर j अनंत तक के बीच के जितने डिजिट नंबर आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। अगला तीसरा नंबर है कि हम किसी संकेत जैसे धन, ऋण, गुणा, भाग और रूट, यही हम 5 देखते हैं कि चर में ए से जेड तक जो होते हैं उन्हें चर कहते हैं, और 1 से अनंत तक की जितने डिजिट नंबर आते हैं उनको हम अचर कहते हैं। और तीसरा नंबर है कि धान, ऋण, गुणा, भाग, ये जो है करणी, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूट बोलते हैं। तो ये सब लोगों का मिलके यह बहुपद बने होते हैं, सब लोगों से मिलकर ये बहुपद बने होते हैं। जैसे इनका परिचय हो गया, अब हम लोग पहचानेंगे बहुपद, ठीक है। तो बहुपद पहचानने के लिए एक और तरीका बहुत आसान है जिससे आप उनसे तुलना करेंगे, मिलाएंगे। जैसे हम लोग कभी आईने अपना चेहरा किसी जगह जाने के लिए तैयारी किया जाता है, तो हम लोग कभी भी आईने का उपयोग करते हैं और करने के बाद उसमें देख लेते हैं हम लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं कि नहीं। तो किसी जगह जाते हैं तो हम लोग उसको पहचानने के लिए, जैसे यहाँ पे ए से लेकर जेड तक लिखे, तो देखो ए से जेड के बीच में यक्स आएगा, देखिए यहाँ पे यक्स है, आएगा ना, यहाँ पे अचर पद है। अचर पद कहाँ से मिलेंगे, इसमें से मिलेंगे, ए से अनंत तक के बीच में अचर पद मिलेंगे, तो यक्स मिलेगा। तो वो चर है, क्या है, यहाँ चर है और अचर है 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस इसमें से मिल गया, यानी इन्हीं तीनों में से ये बहुपद सब बने हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि बहुपद को कैसे पहचाना जाए। सिंबल और संकेत और चर के तो बारे में हो चुका है, अब हम लोग कहेंगे
तो इनको पहचानने के लिए एक आता है बहुत आसान तरीका, जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, यह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। हो गया, तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। अभी भी आपको कुछ थोड़ा सा याददाश्त आया होगा कि ये पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है, तो आपको देखिए पहुंचाती है उनके पास ये क्या है। सबसे पहले इन लोगों में हम लोग आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात डैश डैश, यानी इनके आगे कितने प्राकृतिक नंबर है उन्हें हमें पता नहीं, कुछ भी हो उसके अंदर हो सकता है, तो हम इतना लिख दिए। ये हम इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग को पहुंचना है कहां पे? पहुंचना है हम लोग को पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के आगे यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब तो अभी में हम आगे एक जीरो शामिल कर ले तो ये हम लोग का परिभाषा हुआ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग का सवाल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसको पहचानेंगे। ठीक है, सबका परिचय दे दिए हम, अभी इनको पहचानेंगे। अब देखिए, अब पहला नंबर यहां पे डी नंबर, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। डी नंबर में देखिए क्या दिया है, दो रूट में यक्स धन रूट तीन यक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए पहले इनको हम तोड़ेंगे यानी हल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद मिलाएंगे कि जो यक्स यानी चर, चर के घात पूर्ण संख्या दिखाई दें, चर के साथ यानी चर के यहां पे जो होता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और जो यहां पे होता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, ताकि यहां पे गुणांक की जरूरत नहीं है, गुणांक की जरूरत नहीं है, घात की जरूरत है, और घात से हम लोग का ये सब हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब घात को हम लोग जानते हैं इंग्लिश में पावर कहते हैं, घात को पावर कहते हैं। तो अब हम यहां पर हल करेंगे इनको और देखेंगे कि इनके घात कितना आता है। तो दो यहां पे लिखा है तो दो को दो रखेंगे, यक्स के पावर यानी यक्स रूट यक्स है तो इनको हम कर देते हैं इस तरह, या हम दो इंटू यक्स। अब ये जो यहां पे रूट लगा है जिसे हम करणी कहते हैं, इनका मान यानी इनके बराबर एक बटे में दो होता है, तो रूट जहां लगा है उसको रूट हटाएंगे तो एक बटा में दो लगा देंगे। क्या करेंगे? एक बटा में दो लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे x का रूट हटाएंगे तो हम वन बटे में दो करेंगे। क्या करेंगे? वन बटे में दो। तो ये समझ में आपको आ गया कि रूट को हम लोग बदलते हैं एक बटे दो के रूप में ना, तो जहां पे रूट होगा वहां वन बाई टू कर लेंगे। आगे देखिए धन यहां पे लिखे हैं, यहां पे तीन। देखिए अब इसको तो छोड़ दीजिए, यह यक्ष का गुणांक है, यक्ष से मतलब नहीं है, इनका घात दिख रहा है कि एक है, इनका घात एक है, तो अब क्लियर कर लेना है इधर। अब देखिए रूट तीन यक्ष के पावर वन, तो एक पार्ट जो इधर का वाला पार्ट है इसमें तो क्लियर कि इनके घात एक हो गया, अब क्लियर करना है इधर, तो टू इंटू यक्स के पावर वन बाई टू। अब देखिए क्या पूर्ण संख्या में वन बाई टू दिखता है? वन बाई टू कहीं है या हो सकता है? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा वन बाई टू इसमें नहीं आएगा, ये जीरो आता है, एक दो तीन चार पांच इस तरह के नंबर आते हैं, वन बाई टू के रूप में नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? यह बहुपद नहीं है। तो इसको हम
क्रॉस कर देती हैं। यह बहुपद नहीं है। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर है हम लोग का यक्स के पावर 3/2 (2)। देखिए 2x के पावर तो 1 आपको समझ में आ रहा है, 2x के पावर 1 है, 2 तो अचर है, इनकी तो बातें छोड़ो, इनके पावर 0 हो सकता है, नहीं होगा, ये चर है ना तो होगा, इससे मतलब नहीं है कि एक में आ जाए और एक में ना आए और तीसरे में आ जाए, तो आना चाहिए सब में, तभी हम लोग कहेंगे यह क्या है पूर्ण संख्या के नियम जैसा है, यानी पूर्ण संख्या इनके घात दिख रहे हैं तभी हम लोग कहेंगे कि बहुपद है, इसलिए कि पहचानने का ही तरीका है। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, देखिए 3/2 को यदि हल करते हैं, 3 में 2 का भाग देंगे तो का पूर्ण जैसा दिखेगा, देखिए 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बच जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 2 5 10, तो क्या 2 5 10 1.5 इसमें कहीं दिखता है, जब कहीं नहीं है तो इसको हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है, क्या है बहुपद नहीं है। तो तीसरा और सी नंबर भी बहुपद नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं किस पे, बी नंबर पे। बी नंबर में है यक्स माइनस 2/3, यक्स माइनस 2/3, इनको हम कुछ ही समय में बना देंगे कि बहुपद है कि नहीं, लेकिन आपके दिमागों में इसको कैसे रखा जाए, पहुंचाया जाए आपके पास कि क्लियर हो जाए कि आप भी उस सवालों को बनाए, तो नहीं बनाएंगे तो फायदा क्या है। आप देखिए अब हमें 3 जो यहां पे दिख रहा है, 3 नहीं, यहां पे यक्स है, क्या है यक्स, तो यक्स को हम लोग मुख्य रूप से हम लोग इन्हें हल करके अंश में लाने का प्रयास करते हैं, कहां अंश में लाने का प्रयास करते हैं, तब इन्हें हम अंश पर ले जाएंगे तो कैसे होगा, यहां पे देखिए यक्स माइनस 2, तो 2 को हम इस तरह लिख लेंगे इंटू 1/2 यक्स, ये बताइए 2/x कहिए या 2 × 1/x, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सेम वही है, ठीक है। तो अब हम इन्हें 1/x को हम क्या करेंगे, अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, कहां ऊपर, तो आप लोग पढ़ चुके हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, तो हम जैसे यहां पे 1/x का प्रतिलोम करेंगे तो हो जाएगा यक्स नीचे से ऊपर जाएगा, कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर कितना है घात -1 है, और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, समझ में आ रहा है आपको, क्या होता है 1/x को हम लोग प्रतिलोम में चेंज करते हैं, तो प्रतिलोम में जैसे चेंज का मतलब होता है कि हर वाला यह हर है और ये वाला अंश, तो अंश वाला हर में जाएगा और हर वाला अंश में, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है उनके पावर, तो यहां पे क्या होगा -2 × x ऊपर चला गया × x^-1, और जब एक नीचे चला जाता है इसके तो एक से तो कोई मतलब नहीं, एक से कोई मतलब नहीं है ना, वो लिखा जाता है तो छोड़ देंगे हम, तो हम लोग का पूर्ण ये क्या हुआ कि 1/x को हमने हल करते हुए या x-2 × x^-1 आ गया। आप देखेंगे कि क्या यहां किसी के पावर -1 है, हम लोग को क्या है जो चर होते हैं यानी यक्स हैं उन लोगों का हमको क्या बताना है, इनका तो 1 है, यक्स का 1 है लेकिन इसका -1 है, तो एक से मतलब तो नहीं है, दोनों का होना चाहिए, यानी होल नंबर से मैच कराएंगे तो मिलना चाहिए, तो हम क्या हुआ यहां मिल रहा है, एक तो एक मिल रहा है लेकिन -1 नहीं मिल रहा है, तो हम ये बी नंबर को कहेंगे कि बहुपद नहीं है, क्या है बहुपद नहीं है। अब हम चलते हैं एक नंबर को, और एक नंबर आप इसको क्लियर करेंगे कि एक नंबर है कि नहीं, तो एक नंबर यानी
छह को बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। इसी को बहुत बारीक से आपको समझ लेना है, सही है, इसी को बहुत बारीकी से समझ लेना है। और जितने सवाल मिलते हैं उनको आप क्लियर करेंगे तो ये देखा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं। छ को हम क्या करते हैं, छ गुणते वन लिख सकते हैं, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं। तो छ गुणते वन लिख सकते हैं, तो छ एकम छ ही होगा। आगे अब देखिए हम क्या करते हैं कि छ को छ रहने देते हैं और एक को हम कर लेते हैं यक्स के पावर जीरो। अब देखिए यक्स के पावर जीरो क्या कहते हैं, यह आपको पता है, यह आपको पता है कि जिनके पावर जीरो हो उनका मान एक होता है, जिनके पावर जीरो हो उनका मान एक होता है। तो हम छ को छ गुणते वन कर दिए और छ गुणते यक्स के पावर जीरो कर दिए, क्या कर दिए, जीरो कर दिए। आप देखिए अब यहां पे चर, इसी को ना कहते हैं, इसको चर कहते हैं। तो चर में देखा जाता है बहुपद के लिए कि चर के घात पूर्ण संख्या यानी होल नंबर दिखना चाहिए। तो क्या जीरो इन लोगों में कहीं है, देखिए पहले ही नंबर पे जीरो है। तो जब ये नियम को पालन करता है कि ये लाइन में यानी पूर्ण संख्या जीरो होता है तो हम इसको कहेंगे यह सही है। क्या है, वह सही है। तो ए नंबर हम लोग का क्या हुआ, बहुपद है। तो इनमें कौन कौन बहुपद है, तो क्वेश्चन नंबर इनमें ए नंबर बहुपद है। तो एक बार और इनका रिपीट रिवीजन कर लिया जाए तेजी से और आप बने रहिए ताकि क्लियर हो जाए। आप देखिए इसमें से हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं छह से, क्वेश्चन नंबर छह से शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे तीन लिखा है तो तीन से मतलब नहीं है और यहाँ वाई से मतलब है। तो वाई को जैसे हम यहाँ पे करणी लगा है तो करणी को बदलेंगे तो वन बाई टू होगा, तो वन बाई टू होगा तो क्या होगा, तीन करणी में, नहीं करणी तो हट जाएगा तो हो जाएगा वाई वन बटे में दो धन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो सही है कि पूर्ण संख्या में दो मिल रहा है लेकिन इनका वन बाई टू नहीं मिलता है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि यह बहुपद नहीं है। हो गया पांचवा नंबर, यहां पे यक्स धन वन बाई यक्स है, जैसे हमने अगले बार भी बताए थे कि जैसे हम यहां पे आगे इसको बढ़ाएंगे तो यक्स होगा धन एक बटे यह एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यक्स को नीचे से जैसे ऊपर ले जाएंगे तो इंटू यक्स के पावर माइनस वन हो जाएगा। अब जैसे यहां यक्स के पावर माइनस वन हो गया तो माइनस वन भी होल नंबर में आता नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको भी हम क्रॉस कर देंगे, ये भी सही नहीं है। तीन नंबर पे चलते हैं, ये ऑप्शन देंगे चार यक्स स्क्वायर माइनस तीन यक्स के पावर वन, है ना। यदि यहाँ पे वन हो या न हो इससे मतलब नहीं है, तभी भी हम लोग वन मान लेते हैं। तब देखिए यहाँ पे हम लोग किससे मतलब है मैच कराते हैं कि पूर्ण संख्या एक दो तीन चार पांच जो हो चर वाले पद का, किसका, चर वाले पद, चर के ऊपर एक है या इसमें मिल रहा है, इनके पावर देखिए दो है ये भी मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि बहुपद है, इसलिए कि चर वाले घातों का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए, यही नियम है। तो यह है। अब इसके बाद चौथा नंबर भी देखिए, चौथा नंबर सेम पांचवा नंबर है, आप बना लेंगे इनको, पांचवा नंबर बना लेंगे तो इनका कितना उत्तर आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसलिए कि सेम इनको इधर बना चुके हैं तो आप भेजें, इसलिए कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मैसेज का इंतजार रहता है कि कितने हमारे भाई और बहन वीडियो देखे, ठीक है। और लाइक मारो या न मारो इसका तो बात नहीं है भाई, लेकिन हमारा विचार होता है और हमें खुशी मिलती है कि कितने लोग हमारे वीडियो को देखे और हमारे भाई और बहन की मैसेज किए, किसका कितना होता है, तो हमें गर्व होता है कि हमारा कुछ पढ़ाया हुआ सफल और फायदा किसी को मिलता है। अब यहाँ पे पांच नंबर से चार से मैच करता है तो उनका हल करके बता दी कि है कि नहीं। अब यहाँ पे एक नंबर, एक नंबर है यक्स के पावर दो है, यक्स के पावर दो है, पता किसमें हम लोग करते हैं,
चर में की या चर के, चर के चर के घातों का तुलना करते हैं किससे तुलना करते हैं, पूर्ण संख्या से। तो यहाँ पे यक्ष के पावर दो है, क्या है यक्ष के पावर दो। तो अब यक्ष के पावर दो है तो आप इसको क्या कहेंगे, इससे मैच कर रहा है तो बहुपद कहेंगे कि नहीं, कह देंगे, इसलिए कि इससे मैच कर रहा है, इनके चर के पावर दो है तो दो इनसे मैच होल नंबर से करता है। क्वेश्चन नंबर दो, नंबर तीन टी धन टी कितना है करनी में दो। अब देखिए इनमें क्लियर किया जाए, यहाँ पे होता है तीन करणी में टी। अब टी को हम मानेंगे, टी कहा है चर है कि ये चर, तो बताए थे ना कि ए से जेड तक के बीच में जितने आते हैं उनको हम चर कहते हैं, तो यह चर है। अब इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है तीन और टी के पावर वन बाई टू धन, ये टी है, टी से मतलब है नहीं, और करणी में दो। तो देखिए यहां टी के पावर वन बाई टू आ गया, तो टी के पावर जब दो वन बाई टू आ गया तो पूर्ण संख्या में वन बाई दो नहीं होता है, तो इनको हम कहेंगे कि यह भी नहीं है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं हम अगले